इंसान अगर इस बात को मानता है कि इस दुनिया में भगवान होते हैं, तो क्या उसे इस बात पर भी विश्वास कर लेना चाहिए कि इस दुनिया में शैतान भी होते होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में जिसने पूरे अमेरिका को एक समय पर हिला कर रख दिया था, क्योंकि यहाँ पर अमेरिकन कोर्ट को भी इस बात को मानने पर मजबूर होना पड़ा था कि इस दुनिया में शैतान का अस्तित्व सच में होता है। और ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। द कंजूरिंग मूवी का पार्ट 3, जिसका नाम था डेविल मेड मी डू इट, इसी सच्ची घटना पर आधारित थी। और ये पूरी घटना काफी फेमस पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर रिसर्च करने वाले वॉरेंस के सामने हुई थी। तो इस वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना। और मुझे यकीन है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप भी शायद इस बात पर विश्वास करने लग जाओगे कि आपके आसपास कोई ना कोई शैतानी शक्ति मौजूद है जिसे आप देख नहीं सकते। लेकिन अगर वो शक्ति आपकी जिंदगी में आ जाती है तो वो एक झटके में आपकी पूरी लाइफ को बर्बाद कर सकती है। तो जानते हैं आखिर ऐसी क्या घटना हुई थी ब्रूकफील्ड जैसी छोटी जगह पर जिसने पूरी दुनिया को शैतान के अस्तित्व पर विश्वास करना सिखा दिया। तो यार आई थिंक इतना इंट्रो काफी था, ब्रेक्स देके शुरू करते हैं आज का फाड़ू वीडियो। ये कहानी अमेरिका के एक स्टेट कनेटिकट की है, जहाँ पर ब्रूकफील्ड जैसी एक काफी छोटी जगह है। जिस समय यह घटना हुई थी, इस जगह की आबादी भी कम थी और यहाँ पर बिल्कुल भी अपराध यानी क्राइम नहीं होते थे। लेकिन करीब 180 साल की शांति के बाद इस जगह पर हुआ यहाँ का सबसे पहला कत्ल। इस कहानी की शुरुआत होती है ग्लेजन फैमिली से। जूडी और उसके पति ने काम के सिलसिले में शहर से बाहर रहने का फैसला किया और उन्होंने ब्रूकफील्ड में एक घर किराए पर ले लिया। वो लोग अपना सारा सामान लेकर नए घर में पहुंच गए। इनकी एक बेटी थी जिसका नाम था डेबी। डेबी की उम्र करीब 17 साल थी और इनका सबसे छोटा बेटा था डेविड। जब ये लोग नए घर में शिफ्ट हुए तब शुरुआत में तो सब कुछ सही चलता रहा। इस घर की ऐसी कोई पुरानी हॉन्टेड हिस्ट्री भी नहीं थी। लेकिन कुछ समय बाद डेविड अजीब हरकतें करने लगा। वो रात में जोर जोर से चिल्लाता था, डर जाता था। कभी कभी दिन के समय में भी उसे अजीब सी चीजें घर में दिखाई देती थी। शुरुआत में तो पेरेंट्स को ये लगा कि शायद डेविड मस्ती कर रहा है, उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब ये सारी घटनाएं हद से ज्यादा बढ़ गई तब डेविड के पेरेंट्स को लगने लगा कि शायद अब पानी सर के ऊपर जा रहा है। उन्होंने डेविड से इस बारे में बात की। तब डेविड ने अपने मम्मी पापा को बताया कि उसे घर में एक काफी बूढ़ा इंसान दिखाई देता है जो काफी ज्यादा डरावना है। उसके बड़े बड़े नाखून हैं, उसकी लाल आंखें हैं और वो किसी शैतान जैसा दिखाई देता है। डेविड ने बताया कि उस बूढ़े इंसान ने कहा है कि इस पूरे परिवार को ये घर छोड़कर चले जाना चाहिए। हालांकि ये बूढ़ा आदमी कौन था, वो इन लोगों को इस घर से जाने के लिए क्यों बोल रहा था, डेविड की बातों में कितनी सच्चाई थी, ये सारी बातें आज भी एक राज है। लेकिन उस समय डेविड के घर वालों ने इन सारी बातों को और इन घटनाओं को इग्नोर कर दिया, क्योंकि वो लोग काम के सिलसिले में ब्रूकफील्ड आए थे और इतनी जल्दी घर को शिफ्ट करना और यहाँ से चले जाना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। समय गुजरता गया, डेविड और ज्यादा डरने लगा। रातों में चीखने चिल्लाने की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई। काफी ज्यादा समझाने के बाद भी जब डेविड नहीं माना तो डेविड के माता पिता को लगने लगा कि शायद डेविड को कोई प्रॉब्लम है, शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो नए घर में एडजस्ट नहीं कर पा रहा है या उसे अपने पुराने घर की बहुत ज्यादा याद आ रही है। और इन्हीं सब बातों के चलते वो डेविड को एक डॉक्टर के पास ले गए। जब डॉक्टर ने डेविड की जांच की तो उसमें कोई बीमारी नहीं थी, वो मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ था। और डॉक्टर बिल्कुल पता नहीं लगा पाए कि डेविड की इन अजीब हरकतों के पीछे असली कारण क्या है। और मैं आपको बता दूं कि जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं तब 99% डॉक्टर कोई रीजन नहीं बता पाते, क्योंकि परेशानी इंसान के शरीर में नहीं होती, बस लोग उस इंसान को बीमार समझने लगते हैं। यूं ही समय बीतता गया और एक दिन ऐसी घटना हुई जब डेविड के पेरेंट्स को इस बात पर विश्वास करना पड़ा कि डेविड को कोई बीमारी नहीं है और वो पूरी तरह से सच बोल रहा है। हुआ यूं कि अचानक एक रात को डेविड लैटिन भाषा में बात करने लगा और डेविड के पेरेंट्स इस बात को अच्छे से जानते थे कि डेविड को इंग्लिश के अलावा कोई और भाषा बिल्कुल नहीं आती है। डेविड रात में बड़बड़ाता था, अजीब अजीब हरकतें करता था, हवा में बातें करता था और वो भी लैटिन भाषा में। डेविड के पेरेंट्स तो खुश हो गए कि चलो उन्हें कोई कोचिंग क्लास नहीं करानी पड़ी, डेविड ने एक और लैंग्वेज अपने आप ही सीख ली। नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचा था उसके पेरेंट ने, मैं मजाक कर रहा था। बेसिकली हुआ यूं कि आगे चलकर डेविड बहुत ज्यादा बीमार हो गया। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वो बिस्तर से भी नहीं उठ पाता था। पेरेंट्स लगातार डेविड की इस समस्या को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, वो हर तरह से डेविड की मदद करना चाहते थे। उन्होंने चर्च के पादरियों से भी बात की, वहाँ पर जितने भी तरीके के तंत्र टोटके, जादू टोने, झाड़ फूंक हो सकती थी उन्होंने सब कराया। उन्होंने डेविड को बहुत अच्छे डॉक्टर्स को भी दिखाया। लेकिन एक दिन स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि डर की वजह से डेविड ने अपनी आवाज खो दी। मतलब वो आवाजें तो निकाल पा रहा था लेकिन उसने बोलना बंद कर दिया। वो कुछ बोल ही नहीं पाता था, केवल वो इशारे कर पा रहा था या अजीब अजीब सी
सी आवाजें निकाल पा रहा था। अब जब स्थिति इतनी बिगड़ गई तब डेविड के पेरेंट्स को लगने लगा कि अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उन्होंने अभी कुछ नहीं किया तो हो सकता है उन्हें डेविड से हाथ धोना पड़ जाए, क्योंकि डेविड लगातार बीमार पड़ता जा रहा था, उसके शरीर में खून की कमी होती जा रही थी और अब तो वो अपनी परेशानी बोलकर भी नहीं बता पा रहा था क्योंकि वो गूंगा हो चुका था। एक बार फादर ने डेविड के पेरेंट्स को ये बात बताई कि उनके शहर में दो लोग ऐसे हैं जो भूत प्रेत और शैतानी शक्तियों से छुटकारा दिलाने में माहिर हैं। इनका नाम था एड और लॉरेन। ये दोनों पैरानॉर्मल केस के एक्सपर्ट्स थे। डेविड के पेरेंट्स ने जैसे ही ये बात सुनी उन्होंने तुरंत ही एड और लॉरेन से कॉन्टेक्ट किया। जब उन्होंने इस पूरी घटना के बारे में एड और लॉरेंस को बताया तब ये दोनों डेविड के घर पर आए और घर पर आते ही उन्हें एहसास हो गया कि इस घर में कुछ न कुछ गड़बड़ तो है। दया उन्होंने डेविड से बात करने के बाद इस बारे में बताया कि डेविड के शरीर के अंदर 40 से ज्यादा शैतान है, मतलब एक बच्चे के शरीर पर 40 आत्माओं ने कब्जा करके रखा है और ये सब कुछ इस घर की वजह से हुआ है। अब ये बात सुनकर डेविड के पेरेंट्स काफी ज्यादा परेशान हो गए। एड और लॉरेंस ने ये भी बताया कि ये जो 40 आत्माएं डेविड के शरीर के अंदर है ये आपस में लड़ाई कर रही है और इन आत्माओं की लड़ाई इस बारे में है कि डेविड के शरीर पर किसका कब्जा होगा और इसी लड़ाई के चलते डेविड की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। उन्होंने डेविड के पेरेंट्स को बताया कि डेविड पर उन्हें एक्सोसिज्म करना पड़ेगा। ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जो एक्सोर्सिज्म जैसी ही होती है और इसको करने के बाद डेविड के शरीर से इन आत्माओं को निकाला जा सकता है। डेविड के पेरेंट्स के पास कोई और रास्ता तो था नहीं तो वो एक्सोसिज्म करने के लिए तैयार हो गए। ये एक्सोसिज्म करीब 3 चरणों में होना था, मतलब 3 स्टेप्स में। इन्हीं सब घटनाओं के दौरान डेविड की जो बहन थी डेबी, जो करीब 17 साल की थी, उसकी दोस्ती अपने पड़ोस में रहने वाले एक लड़के से हो गई जिसका नाम था जॉनसन। वो जॉनसन को अपने घर में होने वाली घटनाओं के बारे में सब बताती थी क्योंकि वो इन सब से काफी ज्यादा परेशान थी, बहुत दुखी थी और डरी हुई भी थी। जॉनसन उसकी सारी बातों को सुनता था, समझता था, शायद वो डेबी को बहुत ज्यादा प्यार भी करता था। हालांकि ये दोनों कम उम्र के ही थे, 17-18 साल के करीब दोनों की उम्र रही होगी, तो हम कह सकते हैं कि दोनों निब्बा निब्बी थे और निब्बा निब्बी का प्यार कितना सच्चा होता है ये बात तो आप सब अच्छे से जानते होंगे। यहाँ पर डेविड के पेरेंट एक्सोसिज्म के 2 स्टेप कंप्लीट कर चुके थे। करीब एक हफ्ते बाद वो दिन आया जब एक्सोसिज्म का 3रा स्टेप कंप्लीट किया जाना था। तब डेबी जॉनसन को अपने साथ घर पर ले आई। हालांकि एक्सोसिज्म करते समय फादर ने और एड और लॉरेंस ने ये बात साफ कह दी थी कि इस प्रोसेस के दौरान कोई भी बाहर का व्यक्ति घर में नहीं होना चाहिए, लेकिन डेबी ने इस बात को नहीं माना और वो जॉनसन को अपने साथ ले आई। पेरेंट्स ने भी डेबी को काफी समझाया कि वो जॉनसन को वापस घर भेज दे, लेकिन डेबी इस बात के लिए तैयार ही नहीं हुई। तब फादर ने कहा कि प्रोसेस के दौरान जॉनसन रह सकता है लेकिन उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जॉनसन की खुद की होगी और इस पूरी प्रोसेस के दौरान घर में हर व्यक्ति को एकदम चुप रहना है, कोई कुछ भी नहीं बोल सकता। और ये सारी बातें क्लियर करने के बाद एक्सोसिज्म शुरू किया गया। ये प्रोसेस काफी ज्यादा डरावनी होती है, हर कोई इसे देख नहीं सकता, झेल नहीं सकता और यही हुआ जॉनसन के साथ। वो प्रोसेस के दौरान इतना ज्यादा डर गया कि वो डर के मारे चीख पड़ा और उसने कुछ अजीब सी बात कह दी। उसने चीखते हुए ये कहा कि शैतानी शक्तियों सुनो, इस बच्चे के शरीर को छोड़ दो, चाहो तो मेरा शरीर ले लो। और इसके बाद जॉनसन बेहोश हो गया। जब एक्सोसिज्म की प्रोसेस कंप्लीट हो गई उसके अगले दिन से ही डेविड की हालत में सुधार आने लगे। वो फिर से बोलने लगा, उसने डरना बंद कर दिया। लेकिन डेविड की हालत में जैसे जैसे सुधार आ रहा था वैसे वैसे ही जॉनसन की हालत बिगड़ती जा रही थी और जॉनसन के पेरेंट्स को इस बारे में कुछ पता भी नहीं था कि जॉनसन एक्चुअली में क्या कांड करके आया है। वो बीमार रहने लगा, डरने लगा, जो सारे काम डेविड करता था वो अब जॉनसन करने लगा था। हालांकि डेबी ने बाद में जाकर जॉनसन के पेरेंट्स को सारी बातें बता दी थी लेकिन तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी, शायद वो शैतानी शक्तियां अब तक जॉनसन के शरीर पर कब्जा कर चुकी थी। हालांकि इस बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लोकल पुलिस को भी दी गई थी। पुलिस को ये भी बताया गया कि जॉनसन की तबीयत खराब हो रही है, हो सकता है इसके पीछे किसी शैतानी शक्ति का हाथ हो। लेकिन जॉनसन के पेरेंट्स भी इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे थे और ना ही पुलिस वाले इस बात को मानने के लिए तैयार थे कि शैतान जैसी कोई चीज होती है। 16 फरवरी 1981 को डेबी को नौकरी मिल गई, वो जानवरों के सैलून में नौकरी करने लगी। डेबी जॉनसन के साथ लगातार कांटेक्ट में थी। एक दिन जॉनसन ने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे सैलून पर चलना चाहता हूँ। डेबी इस बात के लिए मान गई। जब ये लोग सैलून पहुंचने वाले थे तब डेबी ने कहा कि मैं अपने पेरेंट्स को और अपनी बहन मैरी को भी साथ ले जाना चाहती हूँ। जॉनसन इसके लिए मान गया तो डेबी का पूरा परिवार और जॉनसन उस सैलून में गए। लेकिन सैलून में जाकर कुछ अजीब सी घटना हुई। सैलून के मालिक का नाम था एलन और एलन डेबी की बहन मैरी को गलत नजर से देख रहा था और ये बात डेबी के पूरे परिवार ने भी ऑब्जर्व की। लेकिन जब जॉनसन ने ये होते हुए देखा तो वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने पास में ही रखे हुए चाकू से एलन को
देखो मैंने ये सारी बात बिना बोले इसलिए बता दी, क्योंकि अगर मैं बोलूंगा तो YouTube मेरे इस वीडियो को भी एज रिस्ट्रिक्ट कर देगा। तो इसका मतलब समझ जाओ चाकू लेकर आदमी ऐसे 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 क्या करता है, मुझे कमेंट करके बता देना। लेकिन जब ये सारी घटना हो गई, पुलिस आई, तो उसके बाद जॉनसन ने ये कहा कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, ये क्या हुआ, किसने किया, मुझे कुछ नहीं पता। जॉनसन ने ये दावा किया कि उसके शरीर पर किसी शैतानी शक्ति ने हावी होकर उससे ये काम करवाया, वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाया, उसे कुछ भी याद नहीं रहा। हालांकि पुलिस ने उस समय जॉनसन की बातों पर विश्वास नहीं किया और पुलिस जॉनसन को पकड़कर स्टेशन में ले गई। जब जॉनसन के ऊपर एलन की हत्या का मुकदमा चला, तब कोर्ट में एड और लॉरेंस ने अपनी रिपोर्ट पेश की। उन्होंने डेविड के साथ हुई सारी घटनाओं के सबूत पेश किए। उन्होंने जज को पूरी कहानी बताई कि किस तरीके से शैतानी शक्तियों ने डेविड का शरीर छोड़कर जॉनसन पर कब्जा कर लिया और जॉनसन कितने लंबे समय तक बीमार रहा था। लेकिन उस समय जज ने इस बात पर विश्वास नहीं किया। तब एड और लॉरेंस ने कोर्ट में ये दलील भी दी थी कि क्या आप भगवान पर विश्वास करते हैं, क्या आप मानते हैं कि ईश्वर होता है। तब कोर्ट में मौजूद हर व्यक्ति ने इस बात पर हामी भरी, सबने कहा कि हम सब ईश्वर की मौजूदगी पर विश्वास करते हैं। तब एड और लॉरेंस ने इस बात की दलील रखी कि जब आप ईश्वर पर विश्वास रखते हैं तो आपको ये भी मानना पड़ेगा कि इस दुनिया में शैतान भी होता है। हालांकि जज ने एड और लॉरेंस की रिपोर्ट तो देख ली, लेकिन निर्णय करते समय उन्होंने इस बात पर यकीन नहीं किया कि ये सारी जो घटना हुई थी वो शैतान ने करवाई थी और इसीलिए जॉनसन को 10 साल की सजा हुई। इस केस को कहा जाता है डेविल मेड मी डू इट, यानी मुझसे ये सब शैतान ने करवाया। हालांकि जॉनसन के वकील समझ गए थे कि जो कोर्ट के जज है वो शैतान वाली बात पर विश्वास नहीं करने वाले, इसलिए उन्होंने इस केस को मोड़ दिया। उन्होंने ये कहा कि जॉनसन ने अपनी आत्मरक्षा के लिए एलन पर हमला किया था और गलती से एलन की जान चली गई, और चूंकि वहां पर डेविड का पूरा परिवार मौजूद था तो सभी लोगों ने इस बात की गवाही भी दे दी कि जॉनसन ने अपनी आत्मरक्षा के लिए एलन पर हमला किया था। उसके बाद डेविड को मिली 10 साल की सजा कम होकर 5 साल हो गई। 1986 में जॉनसन की सजा खत्म हुई और उसने बाहर आकर डेवी से शादी की। जेल में जब वो 5 साल रहा तो धीरे धीरे उसकी तबीयत में सुधार आने लगा, वो काफी हद तक सही हो गया था। हो सकता उन आत्माओं को जेल की सजा पसंद ना आ रही हो, इसलिए उन्होंने सोचा होगा कि चलो डेविड के शरीर को छोड़ते हैं, किसी और को पकड़ते हैं। खैर एड और लॉरेंस ने अपनी रिपोर्ट में इन सारी घटनाओं का जिक्र किया, इसके ऊपर फिल्म भी बनी थी और 2007 में डेवी के परिवार ने एड और लॉरेंस पर इस बात के लिए मुकदमा भी किया था कि उनके साथ घटी घटनाओं को एड और लॉरेंस ने काफी तोड़ मरोड़ कर पेश किया, जिसकी वजह से उनके परिवार को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि ये मुकदमा काफी लंबे समय तक चला, लेकिन एड और लॉरेंस को भी फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उन्होंने इन कहानियों का इस्तेमाल करके खूब पैसे कमाए। क्योंकि जिस प्रोडक्शन हाउस ने एड और लॉरेंस से इन कहानियों के बारे में इन्फॉर्मेशन ली थी, उन्होंने एड और लॉरेंस को काफी ज्यादा पैसे दिए थे। तो ये तो थी अमेरिका में घटी एक सच्ची घटना। जब आप इस पर बेस्ड मूवी देखोगे तो आप पाओगे कि काफी सारे फैक्ट्स को बदल दिया गया है। फिल्म को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बहुत सारी चीजें अलग से डाली गई हैं जो एक्चुअल में नहीं हुई थी। लेकिन जो असल में घटना घटी थी वो भी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या किसी घर में आत्माएं रहती हैं, या आत्माएं किसी इंसान के शरीर पर कब्जा कर सकती हैं। जिस तरीके से आत्माओं ने डेविड को गूंगा बना दिया था और जॉनसन के हाथों से कत्ल करवाकर उसकी जिंदगी खराब करने की कोशिश की थी, क्या ये सब वाकई में पॉसिबल है? और ये सवाल वाकई में जायज है कि अगर हम ईश्वर पर या ऊपर वाले पर विश्वास करते हैं तो क्या हमें ये मान लेना चाहिए कि अगर ईश्वर है तो शैतान भी है? आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या आप शैतान के अस्तित्व पर वाकई में विश्वास करते हो? आपको क्या लगता है डेविड और जॉनसन के साथ जो हुआ उसके पीछे शैतान का हाथ था या वजह कुछ और ही थी? खैर जो भी हुआ हो, अंत में डेविड और जॉनसन दोनों सही हो गए, उन्होंने अपनी एक खुशहाल जिंदगी जी, और ऐसा ही होना चाहिए, आप भी अपनी खुशहाल जिंदगी जियो। तो यार बस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको कहानी सुनने में बहुत मजा आया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें भी डराना। मैं जा रहा हूँ अपनी खुशहाल जिंदगी जीने। मिलते हैं अगले एक और फाड़ू वीडियो में।